फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई हैव क्रिएटेड दिस मेकअप लुक विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज अ ग्रीन एंड ब्लैक आई लुक विद फुल फेस मेकअप। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लैक पहना हुआ है, सो इसीलिए मैंने ये वाले कलर्स से किया है। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं आने वाले फेस्टिवल्स पे। साथ ही साथ अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी मेरा चेहरा एकदम साफ है, एज यू कैन सी कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँगी। आप चाहे तो फेस मेकअप करके आई मेकअप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ पे मेरे पास एक क्राइलॉन का बेस पड़ा हुआ था, उसी को मैंने एज अ आई प्राइमर, आई बेस के तौर पे लगा लिया। ये अच्छी खासी कवरेज देता है एज़ कम्पेयर टू कंसीलर। लेकिन स्टिल अगर आपको कंसीलर यूज़ करना है तो आप इसकी जगह कंसीलर यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने ये देखा तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और इसके आप एज़ यू कैन सी कि एकदम वाइट है, तो आइवरी शेड है ये, तो इसके ऊपर जो भी हम कलर करेंगे वो ज़्यादा निखर के आते हैं, ज़्यादा उनकी पिगमेंटेशन आती है। सो दोनों आँखों पे मैंने इसको लगा लिया, ब्लेंड कर लिया। अब जो साइड्स में जो साइड्स होती है, इनर कॉर्नर्स, आउटर कॉर्नर्स, उनको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी डैब डैब करके, और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंडिंग में टाइम लगाइएगा, अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिए करिएगा, तो कोई लाइंस आपकी आईलिड पे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसको सेट करना है, और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे, आईब्रोज़ में बाद में फिल करूँगी। सो हमें एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए, फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, और यहाँ पे मैं एक ब्राउन शेड लूँगी और इसको अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से लगा लूँगी। पहले आउटर कॉर्नर्स पे गोल गोल घुमाऊँगी, उसके बाद उसी को मैं क्रीज पे ले जाऊँगी, और आगे आपको बस कलर को छोड़ना है। जो इनर कॉर्नर की तरफ हम जा रहे हैं ब्लेंड करते हुए, आपको वहाँ पे कलर को बस छोड़ना है। मेन आपका कलर जो है वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए, ना कि आईज़ के अंदर की तरफ। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। सो इसको अच्छे से आप ब्लेंड करिएगा। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस, और ब्लेंडिंग से ही आपका आई लुक अच्छा लगता है। जितना ब्लेंडेड आपका आई लुक होगा उतना अच्छा लगेगा। सो कोशिश करिए, जितनी भी आप में हिम्मत है, कि आप ब्लेंड अच्छे से करें। इसके बाद मैं एक ब्लैक कलर लूँगी, बहुत हल्का सा मैंने ब्रश पे लिया है। ज़्यादा ब्लैक कलर लेने से एक बार में आपका आई लुक ख़राब भी हो सकता है, तो हमेशा धीरे धीरे इसको लें और हल्का हल्का लें। सो यहाँ पे मैंने उसी ब्रश में ब्लैक कलर लगा लिया, हल्का सा पिक किया ब्लैक कलर, और उसको अब मैं वी बनाते हुए आउटर कॉर्नर्स पर लगा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं, इसको अंदर की तरफ नहीं लगाना है, सिर्फ बाहर की तरफ वी बनाना है आपको। और अभी मैं ब्लैक प्रॉपर नहीं दूंगी, लास्ट में यहाँ पे ब्लैक प्रॉपर जाएगा जब मैं आईलिड का मेकअप कर लूँगी, आईलिड पे कलर को प्लेस कर दूँगी। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगी, हाँ हमें ब्लैक कलर यहाँ पे लास्ट में इतने एरिया में लगाना है। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर से कट क्रीज बना रही हूँ। आप उसकी जगह क्राइलॉन का जो बेस मैंने यूज़ किया था वो भी यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है।
ये मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ तक बनाना है। ये आपको बनाना है अपनी आई बॉल के थोड़े से आगे तक, आई बॉल का जो एंड है उसके थोड़े से आगे तक इसको एंड करना है आपने, और बहुत ज़्यादा शार्प नीट विद द टाइम हर कोई होता है इस कट क्रीज को बनाने में। लेकिन बन जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और आप देख सकते हैं मैंने आई बॉल के एंड से थोड़ा सा आगे तक इसको बनाया है, और अब मैं इसको नीट एंड क्लीन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, जितना नीट क्लीन होगा उतना अच्छा होता है। अब मैं दूसरी आई लिड पर भी सेम कर लेती हूँ। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आई लिड पे कट क्रीज पे कलर को प्लेस करूँगी। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर लिया है जो मेरे कुर्ते से मैचिंग है। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। और इसको धीरे धीरे मैं अपनी आई लिड पे प्लेस कर रही हूँ। दोनों आंखों पे मैंने लगा लिया और एक्सेस को मैं एक ब्रश की हेल्प से निकाल लूँगी। अब मैं ब्लैक कलर लूँगी, जो कि आपको मैंने कहा था कि हम लास्ट में फिर ब्लैक कलर लेंगे, और इस बार ब्लैक कलर हम थोड़ा सा डार्क लगाएंगे। और अब मैं इसको आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ वी बनाते हुए, ठीक है, और ग्रीन कलर के अंदर मर्ज कर रही हूँ उसे कि कोई लाइन नहीं दिखे। और आप देख सकते हैं कि अच्छे से मर्ज हो गया है ग्रीन के अंदर। अब मैं अपनी अंडर आइज़ को क्लीन कर रही हूँ एक वेट वाइप की हेल्प से। जो भी थोड़ा बहुत फॉल आउट हुआ है वो क्लीन हो गया है। अब बात आती है फेस मेकअप की, तो सबसे पहले मैं प्राइमर लगाऊंगी क्योंकि मैंने अपने चेहरे को पहले से ही मॉइस्चराइज़ कर लिया था। और यहाँ पे ये ब्लू हेवन का प्राइमर है जो कि अच्छा है काफ़ी। इसको मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने चेहरे पे। इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, बट प्राइमर के बाद आपको 2 मिनट्स के लिए वेट करना चाहिए, फिर फाउंडेशन बेस लगाना चाहिए। यहाँ पे ये वाला फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, मीडियम कवरेज देता है। मुझे पर्सनली ये फाउंडेशन अच्छा लगता है, 9 to 5 लैक्मे वाला है ये। उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर, ये है वेट एन वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। और इसको मैं अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से अपनी अंडर आइज में ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से लगा लूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे, ये मैंने फील किया है। अब मैं आईब्रोज बनाऊंगी। जो अभी अंडर आइज पे मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अभी सेट करूंगी। पहले मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल ली है, और लोकल मार्केट की पेंसिल है ये। और इससे मैं धीरे धीरे अपने गैप्स को फिल कर लूँगी। अब मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ ताकि मेरी जो आईब्रोज है वो एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाए। इसके बाद मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ ताकि कोई क्रीज ना पड़े अंडर आइज में। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, वही वाला, ये है NYBae का कॉम्पैक्ट। purple.com पे आपको ये आराम से मिल जाएगा, अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पे काजल लगाऊंगी। काजल के लिए यहाँ पे मैंने प्लम का काजल लिया है जो कि दी बेस्ट काजल है अब तक का। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है। उसको लगाने के बाद मैं वही ग्रीन कलर एक फ्लैट ब्रश पे लूँगी और उसको अपनी लैश लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। वाटर लाइन पे हमने काजल लगाया और लैश लाइन पे अब मैं वो ग्रीन कलर लगा लूँगी। फुल आइज पे नहीं लगाऊंगी, जहाँ जहाँ पे मेरी आई बॉल है वहाँ तक मैं इसको लगा लूँगी ताकि एक अच्छा नीचे भी लुक आए आईज़ के। इसके बाद मैं ब्लशर लगाऊँगी। ब्लशर के लिए यहाँ पे है मेरे पास कलर एसेंस का ब्लशर जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। कलर इसका काफ़ी नेचुरल है, ब्यूटीफुल है, और हल्का हल्का मैं इसको अपने चीक्स पे लगा लूँगी और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग इज़ द की अगेन। दूसरे गाल पे भी अच्छे से मैं लगा लूँगी। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाऊंगी, चिन पे लगाऊंगी,
क्यूपिड बो पे, हेड पे, ठीक है, जहाँ भी लाइट्स फॉल होती हैं, लाइट फॉल होती है, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए पहले मैं अपना जो भी टिंटेड लिप बाम है उसको हटा दूंगी, और सबसे पहले मैं लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को शेप दूंगी। और इस तरीके से आपको शेप देनी है तो आपके जो लिप्स की शेप है वो ज़्यादा अच्छे से एनहेंस होके आती है। और आप अच्छे से इसको देख लो कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइन्स, उसके बाद मैं इसको शेप दूंगी इसके अकॉर्डिंग। और अब मैंने शेप देनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। अब मैं फिल करूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैंने एक रेड कलर की लिपस्टिक लिया है, ये है मेबलिन की कलर शो रेंज से, रेड शेड है ये। कौन सा शेड है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता है, बट रेड कलर की, आप कोई भी रेड कलर की लिपस्टिक लगा लो। और अच्छे से मैं इसको लिप ब्रश से अपने लिप्स पे लगा लूँगी, और अच्छे से इनर कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स पे लगा लूंगी। मैंने लैशेस लगा ली हैं, और अब मैं लगाऊंगी अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा ताकि मेरी आईज़ ओपन अप लगे। यहाँ पे मैंने टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने इसे रिसेंटली ख़रीदा था और वर्थ द मनी है। अच्छे से मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। आफ्टर दिस मैं सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।